वेलकम टू सी शिक्षा। मैं दिन साथ साथ जैसा कि हम लोग 12th फिजिक्स का देख रहे थे हर चैप्टर को, तो आज देखेंगे कार्बन प्रतिरोध को वाटर कोड कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, इससे पहले हम लोग प्रतिरोध के बारे में देख लिए हैं, ओम के नियम के बारे में देख लिए हैं, आज देखेंगे हम लोग कार्बन प्रतिरोध। चलिए, तो जैसा कि एक सारणी दिया गया है जिसमें आप लोगों को यह दिया गया है कार्बन प्रतिरोध के मानक कोड। इसका एक सूत्र होता है वी बी रॉय जी बी वी जी डब्ल्यू जी एस एन। ठीक है, तो बी फॉर ब्लैक काला, पहला काला के लिए अंक जीरो, अंक में जीरो होता है, गुणांक में 10^0 1 होता है, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, पीला के लिए 4, हरा के लिए 5, नीला के लिए 6, बैगनी के लिए 7, स्लेटी के लिए 8, सफ़ेदी के लिए 9। जो गुणांक लिखोगे उसको पावर में लिखोगे, 10^0 का वैल्यू 1 होता है, 10^1, 10^2, नारंगी का 10^3, पीला का 10^4, हरा का 10^5, नीला का 10^6, बैगनी का 10^7, स्लेटी का 10^8, सफेदी का 10^9। अब जो थर्ड पार्ट रहता है उसमें सीमा लिखते हैं, जैसे सुनहरा के लिए ±5% त्रुटि होती है, चांदी के लिए ±10%, अब कोई भी रंग नहीं होता है तो ±20%। अब चलिए, किसी का आप कार्बन प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा, एक चीज यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों लाल रंग है। तो पहले को संख्या में लिखा जाता है, दूसरे को भी संख्या में लिखा जाता है, तीसरे को घात में लिखा जाता है, चौथे को परसेंट में लिखा जाता है। देखो लाल का कितना है, लाल का है 2, 2 हो गया। एक और लाल का कितना है, तो 2 हो गया। ठीक है, तीसरा, तीसरे का हम लोग घात के रूप में लिखते हैं, कितना है, 10^2। चौथा चांदी का परसेंट है, देखो 10%, और इसका गुणा कर दो, 22 × 100 = 22। तो ओम, चलिए इसका देखते हैं, नीचे वाले का ज्ञात करके देखते हैं। देखिए पीला, पीला का कितना है, देखो रंग यहाँ पर मान, पीला का देखो भाई, पीला का है 4, चार आ जाएगा। अगला है बैगनी, बैगनी का कितना है, 7। फिर भूरा है, भूरा का घात में आएगा, 10^1। सुनहरी 5%, कितना हो जाएगा, 470। यह आपका आंसर रहेगा, क्लियर। तो यह है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे और बताता हूँ मैं इसके लिए। मान लेते हैं ये काला है, ये सफेद है, ये नीला है, और ये
चांदी है। इसका कार्बन प्रतिरोध करते हैं। पहला पहला रंग को लिखा जाता है, फिर उसके मान को। रंग क्या है? काला। फिर क्या है? सफेद। फिर क्या है? नीला। फिर क्या है? चांदी। पहला को अंक में लिखा जाता है, दूसरा को भी अंक में, तीसरा को घात में, चौथा को परसेंट में। काला और सफेद का देखते हैं। काला का है 0 और सफेद का है 9। काला का है 0, सफेद का है 9। नीला का देखते हैं। नीला का घात है 10^6। चांदी का देखो, प्लस माइनस 10%। चलो अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 10^6 ओम, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आप कार्बन प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एक और बताता हूँ। यहाँ ले लेते हैं हरा का, यहाँ पीला, यहाँ लाल, यहाँ कोई भी रंग नहीं। अब ज्ञात करते हैं। चलो यहाँ रंग लिखते हैं ऊपर में, यहाँ मान। हरा, हरा लिख लो। फिर क्या है? पीला। फिर लाल। फिर कोई भी रंग नहीं। टेबल देखो आप, हरा पीला लाल का। तो जैसे कि कार्बन प्रतिरोध के बारे में बता रहा था, यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास पीला है, यहाँ भूरा है, यहाँ लाल है, यहाँ कोई भी रंग नहीं है। तो सर्वप्रथम रंग लिखते हैं, उसके बाद मान। रंग में पीला पहले आएगा, पीला, फिर भूरा, फिर आएगा लाल, फिर कोई भी रंग नहीं। पीला के लिए देखेंगे तो पीला का होता है 4, अगर भूरा का देखेंगे तो भूरा का होता है 1, लाल का होता है आपका 2।
कोई भी रंग के लिए प्लस माइनस 20। सोलह करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 × 10। इस तरीके से आप कार्बन प्रतिरोध निकाल सकते हैं किसी भी कलर के रंगों का। ठीक है, एक और देखते हैं। इधर बैगनी, हरा, सफेद, सुनहरी, तो इसका क्या होगा देखते हैं। पहला रंग देखते हैं, उसके बाद मान देखते हैं। रंग फिर इसका मान, रंग में है आपका बैगनी, फिर हरा, फिर सफेद, फिर सुनहरी। बैगनी का देखते हैं, बैगनी का होता है 7 और हरा हरा का होता है 5, सफ़ेद का होता है आपका 9। सुनहरी का प्लस माइनस 5%। प्रतिरोध इतना ओम हो जाएगा। तो ये कार्बन प्रतिरोध है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ऐसे निकालना आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। पहला श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। पहला, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके श्रेणियों में एक ही धारा बहे तथा उनके सिरों के विभवांतर अलग अलग हों।
तब उनका संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन निक्रम संयोजन कहलाता है। इसमें प्रतिरोध धारा कुंजी विभवांतर सभी मौजूद होते हैं। चलिए इसके लिए अब हम लोग देखते हैं व्यंजक। श्रेणी क्रम संयोजन मानते हैं, चलिए माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, C के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जिनके सिरों के विभवांतर जिनके सिरों के बीच के विभवांतर V1, V2, V3 है तथा जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियमानुसार
नियमानुसार, जैसे कि आप लोग चित्र में देख ही रहे होंगे, चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में एक से पहला हमारा प्रतिरोध है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, उनको सिरों के बीच के जो भी हो अंतर है, V1, V2 और क्या है, V3 है। तो माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 C के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच के विभवांतर V1, V2, V3 है तथा जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियमानुसार क्या होता है, V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। क्योंकि परिणाम ही जानते हम लोग, परिणामी V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, कितना हो जाएगा V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा IR1 प्लस IR2 IR3, I निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जी बाय I इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 2, चूंकि V इक्वल टू होता है IRS, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3, ये 4, ये 2, समीकरण 2 व 4 से IRS इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अभीष्ट व्यंजक, ये आपका है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, किसके लिए है ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जब हमारे पास दिया गया है यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में क्या दिया गया है, x इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास विभवांतर V1, दूसरा आपके पास V2, तीसरा दिया गया V3, इसका प्रतिरोध है R1, R2, R3, D और C के बीच में दिया गया है जो कि XY है, इस पर एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, कुंजी K है, माना श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, C के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है तथा जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियमानुसार V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3 होता है, परिणामी V इक्वल टू होता है V1 V2 V3 भी IR1 IR2 IR3, I बाहर निकल के R1 प्लस R2 प्लस R3 और चूंकि यहाँ होता है V इक्वल टू IRS, समीकरण 2 और 4 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, IIC कैंसल, RS R1 R2 R3 अभिष्ट व्यंजक। चलिए तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ये हो गया, अब देखते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन, अगला है हमारा समांतर क्रम संयोजन, चलिए समांतर क्रम संयोजन हम लोग देखते हैं,
ये पूंजी है आपका, ये आपका I1, I2, I3, R1, R2, R3, V. चलिए माना कि तीन प्रतिरोध माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जिनका विभवांतर भी है तथा जिस पर धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। तब ओम के नियमानुसार जब जब प्रतिरोधों का संयोजन जब प्रतिरोधों का संयोजन संयोजन इस प्रकार होता है कि उनकी विभवांतर एक समान हो तथा धारा अलग अलग हो तब ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ प्रतिरोध है आपके पास, यहाँ पर प्रतिरोध है आपके पास R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रतिरोध है R1, R2, R3 और विभवांतर केवल भी रहेगा, धारा I1, I2, I3। तो यह है आपका समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है, कि इसमें जो भी तीन प्रतिरोध हम R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका विभवांतर भी है, जिस पर धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है, जिसका विभवांतर एक समान है। जब इस प्रतिरोध का संयोजन हम इस प्रकार करते हैं कि उनकी विभवांतर एक समान होता है, धारा अलग अलग होता है, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं, तो यह हो जाएगा व्यंजक। यहाँ हो जाएगा पहला I1 इक्वल टू हो जाएगा VR1, दूसरा
वी आर टू, तीसरा वी आर थ्री। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन। चलिए समीकरण एक दो और तीन से मार रखने पर चलो, समीकरण एक दो तीन से मान रखने पर, चलो मान रख देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू वी आर वन वी आर टू वी आर थ्री। आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाहर वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, समीकरण नंबर चार। चूँकि एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, I इक्वल टू वी बाय आर एस या आर पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर पाँच। समीकरण चार व पाँच से, चार व पाँच से कितना हो जाएगा वी आर पी बराबर वी एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। एक बटे आर टू ये आपका अभीष्ट व्यंजक। तो ये था आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए अभीष्ट व्यंजक। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कंटेंट, हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को देखेंगे। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं।